हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसवी ड्राइंग। तो आज मैं आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ राखी, वो भी मोर पंख से। तो चलिए हम बनाते हैं। पहले मोर पंख को मैंने छोटा सा काट दिया, उसी साइज़ का मैंने एक पेपर काटा है। पेपर काटने के बाद मैं उसे इस पर चिपका दूँगी और फिर ये जब अच्छे से चिपक जाता है तो उसे फिर काट लेंगे। जिस भी आप मॉडल में, जिस भी आप मार्क में बनाना चाहते हैं उस टाइप में आप काट लीजिए, गोल में या अंडेकार में, चाहे जैसे आप काट सकते हैं। उसके बाद आप इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दीजिए। डेकोरेट करने के लिए आप कोई भी स्टोन्स या मोती का यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने स्टोन की यूज़ की है और स्टोन्स को चिपकाने के बाद मैंने ढूंढा अपनी मम्मी का ये बिंदी जो बहुत ही प्यारा था। इसको देखने के बाद आप ऐसा फील कर सकते हो कि इसमें सारे मोर पंख के कलर दिए हुए हैं। तो मैंने इस पे सारे मोर पंख के कलर के बिंदियों को चिपका दिया है। मैंने इस पे 3 बिंदी चिपका दिया है और इसके बाद अब मैंने बस आप चाहे जैसे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसमें कुछ ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया, बस मैंने इस पर नॉर्मली स्टोन्स यूज़ किए हैं और बिंदी स्टोन किया है, बस और कुछ भी नहीं। तो आप भी इसे ऐसे ही डेकोरेट कर लीजिएगा। अब मैं अपनी राखी पर, राखी के मोरपंख के ऊपर स्टोन चिपका रही हूँ। इसको चिपका लिया मैंने। ये मेरी राखी का मेन पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं राखी का सेकंड पार्ट, धागे वाली पार्ट को बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें एक रेड धागा लिया है, वो मोटी वाली धागी है और आप कोई सा भी धागा ले सकते हैं, मौली भी ले सकते हैं। मैंने पहले धागे के आगे थोड़ा सा पानी लगा दिया ताकि मोती आराम से जा सके। और अब मैं इसमें, मेरे पास मोटी मोटी मोतियाँ पड़ी हुई थी, मैंने इसमें डाल दिया। ये मैंने बनाया इसको मोतियों से। आप पहले एक दो लेयर का धागा लीजिएगा। दो लेयर के धागे में पहले एक लेयर में 4 धागा और दूसरे लेयर में 4 धागा डालने के बाद आप दोनों साइड से दोनों धागों को पकड़ के एक एक मोती डाल दीजिएगा। उसके बाद आप बीच में इस मोर पंख को चिपका सकते हैं। आपको जो भी डिज़ाइन अच्छा लगे आप वो बना सकते हैं। मैंने बस यही यूज़ किया था, ये नॉर्मल एकदम था, सिंपल था। और फाइनली मेरा राखी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरी राखी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।